हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारिता क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और कुचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारिता। तो धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, यानी किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। परिभाषा लिखोगे किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं। सीधा अर्थ होता है धारिता। धारिता मतलब जो चीज धारण करने की, जिसके अंदर जितनी मात्रा ग्रहण हो जाती है या जितनी मात्रा धारण हो जाती है वह उसकी धारिता कहलाती है। लेकिन विद्युत, विद्युत का मतलब होता है आवेश। तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। अब यहाँ समझते हैं, जैसे ये चालक है, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था विभव। यदि किसी चालक से विभव आवेश दे देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है, और यदि हम किसी चालक से विभव आवेश ले लेते हैं तो उसका विभव घट जाता है। जैसे ये कोई चालक है, इस पर अभी आवेश था शून्य, तो इसका विभव भी कितना होगा? शून्य। यदि हम इसको शून्य से, आवेश को शून्य से यदि हम क्यू कर देते हैं, आवेश अगर हम शून्य से क्यू कर देते हैं तो इसका विभव भी बढ़कर कितना हो जाएगा? वो भी। तो ये, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। जब हमने किसी चालक को आवेश नहीं दिया था तो उसका विभव कितना था? शून्य, और आवेश भी कितना था? शून्य। तो इससे ये स्पष्ट होता है जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है। तो जो आवेश होता है वो विभव के कैसा होता है? समानुपाती होता है। आवेश विभव के समानुपाती होता है। यदि हम ये प्रपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ आता है नियतांक C, जहाँ C एक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। यहां से हम C का मान निकालेंगे तो ये आएगा C बराबर Q अपॉन उवी। तो ये धारिता का सूत्र बन जाएगा आपका C बराबर Q अपॉन उवी। उवी क्या है? विभव है। Q क्या है? आवेश है। तो यहां से धारिता के मात्रक हो जाएंगे। धारिता का एक मात्रक होता है, सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह होता है फेरड। उसके बाद में दूसरा मात्रक यहाँ से निकालोगे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और वोल्ट का विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। जो धारिता है उसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरड, लेकिन इससे छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे माइक्रो फेरड होता है, एक नैनो फेरड होता है, एक पिको फेरड होता है। तो हम बताएंगे आपको, एक माइक्रो फेरड बराबर होता है 10^6 फेरड, और एक नैनो फेरड बराबर होता है 10^9 फेरड, और एक पिको फेरड बराबर होता है 10^12 फेरड। अब धारिता
धारिता जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश। क्योंकि क्षमता केवल क्षमता से मतलब है, यानी धारिता का मतलब क्या होता है, किसी को ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं उसकी। तो धारिता एक कौन सी राशि है? अदिश। धारिता एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, जो धारिता होती है, धारिता हमेशा धनात्मक होती है। धारिता का कैसे होती है? धनात्मक। धारिता धनात्मक होती है क्योंकि क्षमता क्षमता शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो धारिता जो होगी वो कैसी होगी? धनात्मक आएगी। किसी भी चालक की, किसी की भी हम धारिता निकालते हैं तो वो कैसी आएगी? धनात्मक। धारिता का, धारिता की बीमा देखो, बीमा यानी सी बराबर क्यू अपॉन ओबी शेष। सूत्र से बीमा निकालेंगे तो यानी C बराबर इसे लिख सकते हैं Q अपॉन OB बराबर सूत्र होता है W अट्टे Q। तो यहाँ OB के स्थान पर आएगा W अट्टे Q, Q कहाँ आएगा? ऊपर। तो C बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अट्टे W। Q की बीमा होती है AT, आवेश की बीमा कितनी है? AT है। तो यहाँ हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर, वर्ग लगाओगे तो। W कार्य की बीमा होती है एम एल स्क्वायर T की घात मान इसके दो। तो C की बीमा हो जाएगी M ऊपर ले जाओगे तो घात माइनस की हो जाएगी, L को ले जाओगे तो ये घात माइनस की दो, T की घात माइनस के दो, ये दो प्लस के चार हो जाएंगे, A की घात दो। ये है धारिता की बीमा। कभी कभार ये पूछ लेता है धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे इस सूत्र से हम परिभाषा इस सूत्र से ही बना सकते हैं, C बराबर क्यू अपॉन ओबी से धारिता की परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ से बन जाएगी किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके विहम में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश, जब आवेश देते हैं तो उसके विहम में क्या होती है? वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके विहम में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं। अब देखो ये धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक, जो चालक की जो धारिता है, धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है पहले ये देखते हैं। जो चालक की धारिता होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अभी बताया था हमने, जो आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है। जिस अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है, विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे यदि हम आवेश बढ़ाएंगे एक, अगर हम आवेश को आवेश एक कूलम कर दें तो विभव भी कितना हो जाएगा आपका? एक वोल्ट हो जाएगा। तो एक से एक काट देंगे तो कितना आएगा? यह एक कूलम प्रति वोल्ट या एक फैराड। अब आवेश को अगर हम दो कूलम करते हैं तो विभव भी हमारा दो वोल्ट होगा, दो वोल्ट होगा विभव भी। तो दो से दो काट के फिर भी एक मान आएगा। ऐसे ही आवेश अगर हम तीन करते हैं तो विभव भी हमारा तीन वोल्ट होगा। तो यानी जैसे हम जितना आवेश बढ़ाते हैं तो उतना ही विभव बढ़ता है, तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो धारिता होती है आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट, जो धारिता होती है विभव पर भी निर्भर नहीं करती है। विभव बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में ये आवेश बढ़ेगा। अब धारिता यानी निर्भर करती किन किन बातों पर है ये देखते हैं। पहला पॉइंट, जो धारिता होती है वो चालक के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आकार अधिक होगा तो उसमें धारिता, उसकी धारिता कैसी होगी? अधिक होगी। अगर उसका आकार कम होगा तो धारिता कैसी होगी? कम होगी। तो जो धारिता होती है वो चालक के आकार पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट, यदि जो धारिता होती है वो दूसरे चालक पर भी निर्भर करती है। यदि हम किसी चालक के पास अगर हम दूसरा चालक लाते हैं तो उसकी धारिता कैसी होगी? बढ़ जाएगी। तो ये धारिता होती है वो दूसरे चालक पर भी निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट, धारिता होती है वो चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। क्योंकि माध्यम अगर होगा तो विभव का मान घटेगा। जैसे सूत्र बताया था हमने, एक आवेश के कारण विभव का सूत्र वन उबी बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अट्टे आर। यदि यहाँ पर के होगा परावैद्युत माध्यम होने पर तो ये विभव का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सी बराबर क्यू अपॉन उबी से वी कम होगा
तो ये धारिता कैसी होगी? अधिक होगी। तो जो धारिता होती है वो चालक के माध्यम पर निर्भर करती है, क्योंकि माध्यम होने पर भेव का मान घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है।